पहले क्यों नहीं आप 20 किलोमीटर पहले बैरियर लगाते, 10 बस लगाते? आपने तो किसान आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए या कैसे कमजोर किया जाए? आप पहले ही पूरा का पूरा आप रोक सकते हैं। कौन गरिमा भैया, आदमी बचेगा तब न गरिमा, पहले देश की पहले आदमी, कौन सा गरिमा खत्म हो गई? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभी आपके साथ। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय दिखाई देते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने अपना बयान जारी किया है और ये कहा है कि इसमें किसानों की कोई गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं कोई गहरी साजिश है जिसके तहत कल जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। आपको बता दें कि कल दिल्ली में लाल किले से हमारी देश के आन बान शान तिरंगे को उतार कर किसी एक धर्म का झंडा वहां फहराया गया, जो कि पूरे देश के लिए एक शर्मसार करने वाली तस्वीर थी। इसके अलावा जाप सुप्रीमो और क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। एक लोगों की दुकान जली, किसी का मोटरसाइकिल टूटा, आखिर आप आईटीओ तक आने कैसे दिए? किसान तो आए नहीं थे, 2 लाख ट्रैक्टर था, दिग्भ्रमित हुए, तो आप पहले क्यों नहीं, आप 20 किलोमीटर पहले बैरियर लगाते, 10 बस लगाते? आपने तो किसान आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए या कैसे कमज़ोर किया जाए? आप पहले ही पूरा का पूरा आप रोक सकते थे। आप गुस्सा उनके पास है, 125 किसान मरे हैं, 150 किसान नहीं मरे हैं, 150 किसानों के बाद कोई किसान अपने जवान से लड़ाई नहीं करता है, सरकार की गहरी साजिश नहीं सर, उसमें जो लोग हैं, जो लोग एक हाथ में तिरंगा है और एक हाथ में निशान है, किसान का निशान है, अध्यात्म का, धर्म का निशान है, तो आप उसको कोई अलग झंडा नहीं ना है भाई। सरकार कह रही कि प्रदर्शनकारी थे, कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होगी और पूरा कार्रवाई करिए, चिन्हित करिए। अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के साथ तो बैठे हुए लोग हैं, नहीं है क्या? जरा देखिए तो जरा फोटो, सिंधु कौन है? आप कार्रवाई करिए, हमेशा फूट डालो, शासन करो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश बांटो, किसान की लड़ाई को भी कमज़ोर करने की साजिश आप देश का ना नहीं। कल गणतंत्र दिवस था, पप्पू यादव कैसे देखते हैं कि देश की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे? कौन गरिमा भैया, आदमी बचेगा तब ना गरिमा, पहले देश की पहले आदमी, कौन सा गरिमा खत्म हो गई? आपको नहीं लगता गरिमा खत्म हुई है? नहीं नहीं, 12-1 बजे के बाद झंडोत्तोलन के बाद लोग निकले, कुछ लोगों को शासन प्रशासन के साजिश के तहत जो गलत है उसको गलत कहिए। किसान गलत नहीं ना किया, कहीं दुकान नहीं ना जली, किसी कॉमन पब्लिक का बाइक नहीं ना टूटा, किसी कॉमन पब्लिक की गाड़ी नहीं ना जली। मतलब लाल किले पर झंडा लगा देना सही था? या कौन सही और गलत कह रहा है? कुछ लोगों को तो देशभक्ति लगता है कि जिसको जो इंसान है ही नहीं उसकी देश, अरे आम आदमी की भी तो बात करिए, वो गलत है उसको आप गलत कहिए, लेकिन ये आईटीओ तक आप आने कैसे दिए? कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत थी ना, आईटीओ तक कैसे पहुंच गया? प्रशासन 20 किलोमीटर पहले, फिर 10 किलोमीटर बाद आईटीओ तक कैसे आ गई? इसका मतलब आपने पूरा पैसेज दिया, रास्ता दिया लोगों को आने के लिए। हम भी तो थे ट्रैक्टर रैली में, हम लोग तो जो रूट था वो रूट से निकल गए, हम लोग लौट करके रूट से हम लोग चले गए गाजीपुर बॉर्डर। मतलब उनकी गलती नहीं थी? किसकी गलती? किसानों की गलती कुछ नहीं थी? किसान की गलती नहीं थी, जिसने गलती किया उसको आप चिन्हित करिए और